लोग तो सोच रहे हैं कि मतलब आप अगर विधायक की चुनाव लड़ रहे हैं, आप जीत जाएंगे, BMW फॉर्च्यूनर आपके पास होगा। जाहिर सी बात है, जिस नेताओं के खिलाफ आप आवाज उठाते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ना कल आप भी शामिल हो जाएंगे उसमें, वही काम करेंगे बिहार में। देखिए, BMW फॉर्च्यूनर हमारा सपना है ही नहीं। अगर BMW फॉर्च्यूनर सपना होता तो हम एक IIT क्वेटर है, और IIT क्वेटर का आदमी अगर, और IIT मेडिकल के बहुत सारे स्टूडेंट को हम पढ़ाए हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। विजेंद्र पब्लिक स्कूल में 2013 जब आदमी का मोच नहीं आता उस समय हम पढ़ाते थे। उसके अलावा नारायणा कोचिंग में हम पढ़ाए हैं, 1.5 लाख की सैलरी थी हमारी। बहुत लोग नहीं जानते मेरे बारे में क्योंकि हम लोग आज तक नहीं बता रहे। आपका 1.5 लाख की सैलरी थी उनको छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया। अभी भी हम लोग पत्रकारिता से कम से कम 1.5 लाख रुपए महीना कमा। अच्छा, लेकिन पास पैसा पावर ये सब है, बिना पैसा पावर का आज के समय में मैनेजमेंट है हमारे पास बस। अच्छा, तो खासियत है आशीष मेहता के पास, जो लोग हमारे करीब रहते हैं उसको मालूम है आशीष के पास एक चीज है, वो है मैनेजमेंट। अच्छा, कैसे पैसा आता है वही तो जाना राजनीति है। अच्छा, आखिर पैसा किसके पास, जब पैसा रहेगा ही या मालिक पास पैसा होगा नेता बन जाए। राजनीति पैसे से नहीं होता है। अगर पैसा से होता पूर्णिया में क्या विद्या विहार से था किसी के पास पैसा होगा? नहीं। पूर्णिया में इमाम साहब का ज्यादा पैसा होगा किसी के पास? नहीं है। पूर्णिया में जो नेता बना हुआ है जितना ज्यादा उसके पास ढेर पैसा है, इमाम से ढेर पैसा होगा, इमाम साहब से ढेर पैसा होगा। देखते हैं जिधर जाइए पूरा बिल्डिंग, पैसा कोई मैटर नहीं, पैसा मैटर कहीं नहीं मैटर करता है। अरे अगर आप ये सोचिए, अगर हमारे पास जनता का आशीर्वाद मिल जाए, जनता ये जान जाए कि ये पिछड़ा का बेटा है और उसके बाद भी इसके अंदर हुनर है कि ये हमारे लिए लड़ सकता है, हमारी आवाज उठा सकता है। एक जनता का पत्रकार होता है और एक नेता का पत्रकार होता है। अच्छा, नेता का पत्रकार हम पहले भी नहीं थे, नेता का पत्रकार अब भी नहीं है, नेता का पत्रकार आगे भी नहीं रहेंगे। जनता का पत्रकार पहले भी थे, जनता का पत्रकार अब भी है, जनता का पत्रकार आगे भी रहेंगे। और ये डिजिटल मीडिया का पत्रकार एक चीज और है, बोलता भारत के पेज पर फीता काटने का वीडियो आप कभी नहीं देखेंगे, कभी भी नहीं देखेंगे। स्टोरी खबर हम लोग करते हैं जहां जनता के लिए आवाज टोल पर हम लोग खबर किए, तो वही पता। दोस्तों, बिहार में पत्रकारिता के नाम पर एक अजब खेल चल रहा है। समाज का एक समझदार व्यक्ति, पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति जब देखता है कि अपने समाज में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो उनमें से कुछ गिने चुने ऐसे लोग होते हैं जो कलम उठा लेता है, कॉपी उठा लेता है या फिर माइक उठा लेता है कि हम अपने समाज के लिए लड़ेंगे। लेकिन देखते ही देखते पता नहीं उनको बिहार में ऐसा क्या सूझ जाता है, क्या दिख जाता है कि कुछ सालों के बाद माइक को छोड़ देता है, कॉपी कलम छोड़ देता है और फॉर्च्यूनर BMW का सपना देखने लगता है। और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि इसका जीता जागता उदाहरण कहीं ना कहीं आपने मनीष कश्यप को देखा होगा कि कैसे लोगों के भावनाओं के साथ खेला और चुनाव में उनके ऊपर कई सारे आरोप लगे कि भैया वो पैसा लेके बैठ गया। और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे साथ बगल में एक पत्रकार बैठा हुआ है, बोलता भारत के संपादक है, और आप सब बखूबी जान रहे हैं कि अब ये चुनावी मैदान में चुनाव लड़ने की तैयारी करें। हम जानेंगे कि एक पत्रकार को ऐसा क्या समस्या हो गया कि वो माइक छोड़ के इस दुनिया में आ रहा फॉर्च्यूनर BMW का सपना देख रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका भी कि इतना कीमती समय आपने इस टॉपिक के लिए निकाला गया कि पत्रकार को जरूरत क्या पड़ रही है राजनीति आने का। बिल्कुल, तो ऐसा ही होता है जैसे आप सोचिए, आप उनसे सवाल कर रहे हैं, अब कोई हम जवाब आपको नहीं दे पाए, कोई ऐसा छोटा सवाल आपका समझ ही नहीं पाए, आपके कैसा आदमी पास आ गई जवाब ही नहीं दे पाता है। उसी तरह से जब हम लोग लोकतंत्र का आईना है, चार अगर हम लोग लोकतंत्र स्तर में, तीन तो सैलरीड है, एक ही ऐसा है जो अनसैलरीड है, जो आप भी हैं, हम भी थे कभी और अभी भी हैं। क्योंकि एक चीज और, जो लोग ये कह रहे हैं तो हम पहले भी पत्रकार थे, आज भी पत्रकार है, लेकिन पत्रकारिता में दो कैटेगरी होता है। अच्छा, एक जनता का पत्रकार होता है और एक नेता का पत्रकार होता है। अच्छा, नेता का पत्रकार हम पहले भी नहीं थे, नेता का पत्रकार अब भी नहीं है, नेता का पत्रकार आगे भी नहीं रहेंगे। जनता का पत्रकार पहले भी थे, जनता का पत्रकार अब भी है, जनता का पत्रकार आगे भी रहेंगे। और ये डिजिटल मीडिया का पत्रकार, आप कह रहे हैं जनता का पत्रकार है और जनता का सवाल हम लेकर आए हैं, जो लोग आप पर विश्वास करते हैं मेरे हक की लड़ाई, न्याय की लड़ाई मेरा लड़ेगा, और वो लोग आज नाराज हैं कि कोई आशीष जी है बोलता भारत के संपादक, वो आज छोड़ के पत्रकारिता छोड़ के चुनाव मैदान में छोड़े कहीं दम बोल रहे छोड़े नहीं है। जनता के लिए जहां होगा वहां लड़ेंगे, फिर आवाज उठाएंगे। और अभी भी लगातार हमारे चैनल पर, हमारे पेज पर लगातार वीडियो डल रहा है, आज भी हम लोग खबर करेंगे। आज भी एक, जैसे आपका है तो हम आपको एक बताएं, श्रीनगर प्रखंड में एक व्यक्ति है जो, जिसका बच्चा 18-20 साल का लड़का गया, बड़ा शौक से गया कि हम बेंगलोर जाकर नौकरी करेंगे, वहां पर काम करेंगे, और रेलवे में किसी दुर्घटना कारण से उसकी मौत हो गई और आज तक 3-4 दिन से रेलवे के पास बॉडी सड़ रहा है, इसके पास पैसा नहीं है कि वहां जा सके, उसकी आवाज उठाएंगे। अब कोई कहेगा कि नेता कि हम फीता काटे वहां जी, वहां नहीं जाए, फीता काटे हम आज तक। एक चीज और है, बोलता भारत के पेज पर फीता काटने का वीडियो आप कभी नहीं देखेंगे। अच्छा, कभी भी नहीं देखेंगे। स्टोरी खबर हम लोग करते हैं जहां जनता के लिए आवाज टोल पर हम लोग खबर किए, वही पत्रकारिता हुआ, वो दोनों चीज है। अच्छा, पत्रकारिता और राजनीति को जब आप मिक्सअप करते हैं, अगर आपकी मानसिकता गलत है, जैसे आप किसी का एग्जांपल बताएं, मैं अपने सोशल मीडिया पर इवैल्यूएशन लाया वहां तक सही था, वहां तक हम लोग उसको आइडिया भी मानते हैं, लेकिन
पॉलिटिक्स में वो मतलब आप ये कहिए नया लड़का के तरह कर गए। अच्छा। वो एक मैच्योर राजनीति की तरह नहीं किए। अच्छा। और एक मैच्योर पॉलिटिशियन होते तो वो जरूर चुनाव लड़ते और जनता का अंजाम जो होगा। अच्छा। जनता जो फैसला करती वो करता, पैसा लिया नहीं लिया वो तो उसका। आपका इंटेंशन उनके जैसा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, उनका इंटेंशन अलग था, शुरुआती इंटेंशन का। लेकिन लोग तो सोच रहे हैं कि मतलब आप अगर विधायक की चुनाव लड़ रहे हैं आप जीत जाएंगे, बीएमडब्ल्यू फॉर्च्यूनर आपके पास होगा। जाहिर सी बात है जिस नेताओं के खिलाफ आप आवाज उठाते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं कल आप भी शामिल हो जाएंगे उसमें, वही काम करेंगे बिहार में। देखिए बीएमडब्ल्यू फॉर्च्यूनर हमारा सपना है ही नहीं। अगर बीएमडब्ल्यू फॉर्च्यूनर सपना होता तो हम एक आईटी क्वेटर है, और आईटी क्वेटर का आदमी अगर, और आईटी मेडिकल के बहुत सारे स्टूडेंट को हम पढ़ाए हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। अच्छा। विजेंद्र पब्लिक स्कूल में 2013 जब आदमी का मोच नहीं आता उस समय हम पढ़ाते थे। अच्छा। उसके अलावा नारायणा कोचिंग में हम पढ़ाए हैं, 1.5 लाख की सैलरी थी हमारी। बहुत लोग नहीं जानते मेरे बारे में क्योंकि हम लोग आज तक नहीं बता रहे। आपका 1.5 लाख की सैलरी थी उनको छोड़ दिया? उनको छोड़ दिया, अभी भी हम लोग पत्रकारिता से कम से कम 1.5 लाख रुपए महीना कमाते। अच्छा। लेकिन बात पैसा कमाने का नहीं है, बात है हक के लिए लड़ने का, बात है सिस्टम से लड़ने का। अगर हम और आप जैसा आदमी जिसके पास सिस्टम का, पत्रकार कौन बनता है जिसको हर एक फील्ड का ज्ञान हो, कम से कम आधा ही ज्ञान क्यों ना हो, या फिर अगर आप कोई टॉपिक पर रिसर्च करके वीडियो बनाने जा रहे हैं, इंटरव्यू करने जा रहे हैं, उस वक्त तक आप उससे रिलेटेड सारी जानकारियां लेकर आते हैं। अच्छा। तो जब हमें हर बात की जानकारी है, और एक सामने एक ऐसा आदमी है जो मर्डर किया हुआ है, जो रेप किया हुआ है, जिसका दिन भर ठेकेदारी होता है। अच्छा। जिसका दिन भर किसी और बहु बेटियों पर नजर रहता है। अच्छा। जो हमेशा ये सोचता है किसका जमीन हड़प ले, अब हम उसको खाली आगे बढ़ा रहे हैं, राजनीति को उसको ला रहे हैं, और वो रहनुमा बना बैठा है बाहर में आके। अच्छा। अब पीछे में गरियाता है पब्लिक को, आप जाइएगा सामने से गिनती कर देगा। अच्छा। जिसको हमें इतना मुसलमान, इतना दलित, इतना महादलित, इतना पिछड़ा, इतना अति पिछड़ा। वैसे लोगों को करारा जवाब है मेरे तरफ से कि जनता को आप भेड़ बकरी तरह गिनिए मत, और कई उंगली पर गिनने वाले आदमी को जो लोग देख रहे हैं समझे होंगे, उसको हमने करारा जवाब भी दिलाया। आज तक मेरा पहचान मेरा 4 चुनाव में हमने डायरेक्ट इन्फ्लुएंस किया है चुनाव। अच्छा। हम लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और वो कल भी थे आज भी रहेंगे, और अगर चुनाव में जीतते हैं। अच्छा। तो तब भी रहेंगे, तब भी आवाज उठाएंगे, और नेता पॉलिटिक्स पार्टी ये मायने रखता है, ये कोई मायने जनता हीरो बनाएगा, परिस्थितियां स्थिति परिस्थिति हीरो बनाता है किसी को भी, और जनता के साथ थे, जनता के साथ हैं, जनता के साथ आपके पास पैसा पावर ये सब है? बिना पैसा पावर का आज के समय में मैनेजमेंट है हमारे पास बहुत। अच्छा। तो खासियत है आशीष मेहता के पास, जो लोग हमारे करीब रहते हैं उसको मालूम है आशीष के पास एक चीज है, वो है मैनेजमेंट। अच्छा। कैसे पैसा आता है वही तो जाना राजनीति है। अच्छा। आखिर पैसा किसके पास, जब पैसा रहेगा ही हमारे पास, पैसा होगा नेता बन जाएगा। राजनीति पैसे से नहीं होता है, अगर पैसा से होता पूर्णिया में क्या विद्याविहार से था किसी पास पैसा होगा? नहीं। पूर्णिया में इमाम साहब का ज्यादा पैसा होगा किसी पास? नहीं है। पूर्णिया में जो नेता बना हुआ है जितना ज्यादा उसके पास ढेर पैसा है, इमाम से ढेर पैसा होगा, इमाम साहब से ढेर पैसा होगा। देखते हैं जिधर जाइए पूरा बिल्डिंग, पैसा कोई मैटर नहीं, पैसा मैटर कहीं नहीं मैटर करता है। अरे अगर आप ये सोचिए, अगर हमारे पास जनता का आशीर्वाद मिल जाए, जनता ये जान जाए कि ये पिछड़ा का बेटा है, और उसके बाद भी इसके अंदर हुनर है कि ये हमारी लिए लड़ सकता है, हमारी आवाज उठा सकता है, और प्लस सबसे एक चीज और हम खास बात बोलते हैं कि जाति प्रथा पर हम विश्वास नहीं करते, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जब हम किसी को बोलते हैं, वो लोग जानते हैं हमारे व्यक्तिगत बातों को या प्रोफाइल से देखते हैं, जब बात करते हैं उसको समझ में आता है कि आदमी पढ़ा लिखा है, फिर वो हमारी इज्जत करता है, चाहे ब्लॉक का स्टाफ हो, वीडियो हो, सीओ हो, आरओ हो, एमओ हो, या थाना प्रभारी क्यों ना हो, वो भी चाहते हैं। देखिए जैसे आपका भी कैटेगरी होगा, आपको भी कोई ऐसे लोग होंगे जिसके साथ विचार मैच करता होगा, बात करने में अच्छा लगता होगा, होता है उसी तरह से जो उसके साथ विचार नहीं मैच करता होगा उसके साथ बात करना पसंद नहीं करते। बिल्कुल। तो अधिकारियों को भी इंतजार है ऐसे नेताओं का, अधिकारियों को भी इंतजार है ऐसे लोगों का जो पढ़ा लिखा हो, जो सही समय पर सही बात करता हो। अगर अधिकारी गलत कर रहे हैं तो आप उस पर चढ़ने का प्रयास करिए, दिखाइए समझदारी, बताइए कि उसको कि आप भाई लोकतंत्र में सेवा करने के बने हैं, चाहे यूपीएससी हो, लास्ट में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लिखा हुआ है, सेवा है उसमें, बिहार पब्लिक सर्विस यूपीएससी उसमें भी सेवा वर्ड है, बिल्कुल जनता सेवा लोकतंत्र सब में सेवा ही है, लेकिन लोग भूल जाते हैं, और जो लोग भूल जाते हैं उनको याद दिलाना ही लीडरशिप होता है। अच्छा। चुनाव जीतना हारना राजनीति नहीं है। अच्छा। लीडरशिप जनरेट करना वो राजनीति, अवेयर करना है लोगों को। और हमने लीडरशिप जनरेट किया है, हमने आपको क्या बताया, मैं आईटी क्वार्टर था, किसी और कोचिंग में हम पढ़ाते थे, सैलरी भी उठाते थे, फिर हमको लगा कि नहीं हमको अपने लिए कुछ करना चाहिए, अपने समाज के लिए करना चाहिए, अपने बिहार के लिए करना चाहिए, अपने पूर्णिया के लिए करना चाहिए, अपने लोगों के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि हम जिस गरीबी में पले बढ़े ना, मेरी कहानी थोड़ी अलग है। हम लोग आईटी क्वार्टर थे और आईटी नहीं गए, ये भी एक अपना बड़ा बात है, क्योंकि मुझे पढ़ने के लिए उतना पैसा नहीं मिलता। और अगर हम सिर्फ आईटी जाके, जो आईटी का 1.5 लाख रुपए एक एनएम का होता है, दूसरा पैसा हमारे पास आता कहाँ, मेरा भाई बहन रुक जाता, हम अपने भाई को मेरा आईटी बना दिया सब चीज। अच्छा। मेरा भाई भी आईटीएन है, इंजीनियर है, और अभी अच्छे खासे कोचिंग में वो फैकल्टी। तो आपका क्या मुद्दा रहेगा पूर्णिया सदर विधानसभा से रहेंगे, मुद्दा जानना चाहेगा आशीष जी का, क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ेंगे, आपको क्या कमी महसूस हुआ पूर्णिया सदर में, जो अब तक विकास के मामले में क्या कुछ नहीं हुआ जो आप करेंगे? देखिए मुद्दा हर एक एरिया का, हर एक जगह का अलग अलग होता है। हमारा पूर्णिया वो जिला है, और जिस अगर सदर विधानसभा क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, वो ये क्षेत्र है जो डेवलप होने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
अच्छा। अगर एक लड़का है जो सब कुछ पढ़ लिख कर आया है और उसको आप कहेंगे खेत में चल जाओ तो उसके डिग्री के लिए सम्मान नहीं होगा। अगर आप उसको एक अच्छे ऑफिस में दे देंगे जहाँ से दिमाग काम करता है तो वो लड़का आगे बढ़ा देगा। उसी तरह से हमारा पूर्णिया चारों तरफ से हाईवे से जुड़ा हुआ है। अच्छा। अगर हाईवे है तो इसका मतलब है कि यही गाड़ियां दिल्ली जाती है, यही गाड़ी महाराष्ट्र जा रहा है, यही गाड़ी पंजाब जा रहा है, यही गाड़ी झारखंड जा रहा है, सब जगह जा रहा है। अच्छा। तो आपस से अगर हम यहाँ पर कोई ऐसे इन्वेस्टर्स को लेकर आते हैं पैर पकड़ेंगे हम, क्योंकि देखिए जब हम लोग उतने बड़े बड़े संस्थानों में गए तो कैसे गए, रिज्यूमे लेकर गए थे ना। पूर्णिया का हमने एक रिज्यूमे बनाया, बायोडाटा बनाया, जिस बायोडाटा हमने ये लिखा है कि पूर्णिया सर, क्योंकि बताना पड़ेगा ना, जो आनंद महिंद्रा बैठे हुए हैं मुंबई में उसको थोड़ी पता है पूर्णिया कहाँ है, बिल्कुल उसको नहीं पता, टाटा को नहीं पता है पूर्णिया कहाँ पर है, उनको वो बड़ा लेवल का लोग है, बहुत सारे बिरला को नहीं पता है, या कई ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिसको नहीं पता है, उसको ये बताने वाला होना चाहिए, उसी का नाम नेतागिरी है, उसी का नाम प्रतिनिधित्व है, उनको फुर्सत नहीं है। जो और लोग हैं ना उनको फुर्सत नहीं है, उसके पास विजन भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो क्या किए हैं, यहीं पर कमाए हैं, कैसे कमाए हैं, फ्रॉड भी कमाए हैं। अच्छा। कैसे कमाए हैं, अलग तरह से कमाए, किसी का ठग लिए हैं, किसी का कुछ और करके कमाए, हमने अभी सिर्फ पढ़ाई किया है, ग्लोबली हमने देखा है। अच्छा। हमने इंडिया को देखा, इंडिया के कम से कम 5 राज्यों में हमने पढ़ा है, पटना से राजधानी में हमने पढ़ा है, दिल्ली से राजधानी में हमने पढ़ाया है, मुझे पता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। और हमने ये भी बोला मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैनेजमेंट है मेरे पास इन्वेस्टर है। अच्छा। मेरे पास वो लोग हैं। अच्छा। जो मदद करके किसी को भी आगे बढ़ाता है। अच्छा। क्योंकि ये समाज सेवा अगर है, अगर हम जनता की बात करते हैं तो जनता ही मुझे वहां पहुंचाएगी। अच्छा। तो आप ये सोचिए, जरा कल्पना करिए, आप भी सोचिएगा, अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप भी हमारे अभियान से जुड़िएगा, लोगों को बताइएगा। अच्छा। जो लोग देख रहे हैं वो भी सोचिएगा, जब हमारे पास चारों तरफ से हाईवे है तो हम माल ढोया ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर, लेकिन ये नहीं है कि दिल्ली वाला माल लाके यहाँ खरीद लेंगे, हम बेच सकते हैं, बेच सकते हैं। पहला चीज, हमारे पास लेबर भी सस्ता है, बिल्कुल है, हमारे पास अगर लेबर सस्ता है तो हम फैक्ट्री भी लगाएंगे तो हमको सस्ता लेबर मिल जाएगा, बिल्कुल। हमारे पास जमीन है और यहाँ सुखाड़ भी नहीं है, बरसात भी नहीं जाता, डूबता है क्या, बायसी हमारा डूबता है, लेकिन पूर्णिया पूर्व नहीं डूबता है, डूबता है ना, डूबता है। तभी तो पूर्णिया का विकास क्यों अधिक हुआ 2008 के बाद, क्योंकि कुछ बांध टूटा, उसके बाद मधेपुरा के लोग, सहरसा के लोग, अररिया के लोग यहाँ पर आए बसे, तो हमारे पास जमीन भी है, सब कुछ है। अब हमको करना और कुछ पावर डीएम के पास डायरेक्ट होता है। अब लोग कहेंगे भाई मान लो एक को तुम बना नहीं, मान लो विधायक बन भी जाएगा, इतना बात कैसे करोगे, सरकार बनेगा तब, या किसका सरकार बनेगा पता नहीं, किसकी सरकार बने, लेकिन डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट पावर होता है, वो बियाडा के तहत या कुछ और जमीन जो यहाँ पर है उसको वो चाहे तो किसी को भी दे सकते, किसी को मतलब क्या, जो अगर उस तरह की प्लानिंग लेकर आता है, इन्वेस्टमेंट लेकर आता है उसको दे सकते हैं। तो समझिएगा, हम डीएम साहब के पास अगर जाते हैं, डीएम साहब अगर हमारे बीच, ऐसे भी बहुत सारे डीएम ऐसे होते हैं जो काम करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे डीएम होते हैं जो काम नहीं करना चाहते, लेकिन मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो काम करना चाहते हैं, ठगता पता है कौन है, नीचे वाला आदमी। अच्छा। मैक्सिमम घुसखोरी ज्यादातर नीचे का लोग कर लेते हैं। अच्छा। और ऊपर को पता भी नहीं चलता है। अच्छा। या आप तक वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर अगर हम इस तरह के जमीनों को उनके नजर में डालें कि आपको यहाँ पर हम सस्ते रेट में अवेलेबल कराएंगे जमीन, हम उसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं, जो आपको गुलाबाद इस एशिया का सबसे बड़ा मार्केट जी, और इस गुलाबाद से सैकड़ों करोड़ का बिजनेस जो है होता है, अगर हम उसको ये कहें कि आपको अभी वो लोग गोदाम कहाँ बना रहे हैं, जमीन बना रहे हैं, अपना जमीन के लिए पैसा नहीं है, अगर हम वेयर हाउस कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर अगर उस सरकारी प्लॉट पर बनाए तो उससे विकास होगा कि नहीं होगा, उससे होगा, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जो आजादपुर मंडी दिल्ली में है यहाँ का सब्जी आपको आज ही बेचना पड़ेगा, कल नहीं बेच सकते हैं आप, अगर आज जो रेट होगा गोभी का आपको बेचना पड़ेगा, जो कल को भी खराब हो जाएगा। अगर कोल्ड स्टोरेज सरकार के पास से बीएडा के तहत अगर कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर खुलता है तो आपकी सब्जी कितने दिन तक रहेगी, 10 दिन तक, आराम से 10 दिन तक रहेगी, और उसके अलावा उसको आप बड़ी मार्केट में जाकर क्या कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये अगर हम अधिकारी भी रहते ना तो वो भी कर लेते हैं। अच्छा। और अगर हम यहाँ पर अगर प्रतिनिधि भी बनना आए हैं, पत्रकारिता तो कर ही रहे हैं, सुझाव तो दे ही रहे हैं, कम से कम हमारे हिसाब से वो अवेयर भी हो जाए। अच्छा। अगर इस तरह के वेयर हाउस बनाए, इस तरह के कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करते हैं जहाँ किसानों को डायरेक्ट सब्जी रखने का प्रावधान हो और फिर वो अपने हिसाब से अपना रेट के हिसाब से उसको लेकर बेच सके, क्या प्याज का यहाँ कोल्ड स्टोरेज है, नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक कोल्ड स्टोरेज है, वो भी किसका, तो आलू का है, उसके अलावा सरकार की तरफ से है, यहाँ प्राइवेट आदमी का है, वो अपना मनमाना फीस वसूलता है, अगर सरकार तरफ से होता, बियाडा की जमीन पर होता, बियाडा का जमीन वहां देखिए जाके ऐसे पड़ा हुआ है, ढेरी जमीन पड़ा हुआ है, ढेरी सरकारी जमीन पर लोग ऐसे ही कब्जा किए हुए हैं, कोई वर्कर उसको घेर रहा है, कोई मट्टी काट रहा है, कोई और माफिया, आप इन सब चीजों पे काम करेंगे, सबसे पहले उसी पर काम करेंगे। और उसके बाद जो दलित है, महादलित है, हमारा एक कौम है जिसको हम बड़ा सम्मान करें, जो शेरशाहवादी कौम है, जिसकी उसकी मेहनत को हम लोग सलाम करते हैं, उनके मेहनत को हमने देखा है, और प्लस जिस समय हम लोग बच्चा थे, माँ बाप से सुनते थे, हमने उनको देखा था, एक वक्त था जब हम लोग देखते थे तारकुन चुनकर वो लोग जो है ना उससे गुड़ निकाल कर खाते थे, तारकुन नाम सुने होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, वो समाज को हम बहुत प्रणाम करते हैं, उसकी मेहनत को जब हम देखे और आज जब स्थितियां देखते हैं ना, सबके घर पर पक्का मकान है, अभी और बढ़ाना है उसको, उसको और बढ़ाना है, लेकिन वो तारकुन का जमाना से कितना उठा, कैसे उठा, वो मेहनत है। आप सेंट्रिंग मस्ती में जाकर देख लीजिए, सब जगह वही लोग मिलेगा, अच्छा। हार्ड काम में वही लोग मिलेगा। हमारा एक और समाज है जो बहुत पीछे चल रहा है, अच्छा। जिसका नाम है महादलित। अच्छा। अगर उसको आप उस समाज को बोलेंगे
वो समाज इतना पीछे चला गया है कहीं ना कहीं शराबबंदी के कारण से या शराब के कारण से कि वो फिजिकली काम नहीं कर पा रहा है। अच्छा। वो फिट ही नहीं है, वो काम क्या करेंगे बेचारा। वो काम करने आते हैं तो उनका शरीर नहीं काम कर पा रहा, उनको अवेयर करना है, उनको जागरूक करना है कि आप अपना सबसे पहले खाली ये नहीं कहेंगे बच्चा पढ़ाई, बच्चा कैसे पढ़ाएंगे, उनके पास पैसे नहीं बता रहे, उनको रोजगार का व्यवस्था कराएंगे और उनसे वो 10-12 हजार रुपया जब कमाएगा तो 5 हजार रुपया 3 हजार रुपया अपना घर में खर्चा करेगा, 2 हजार रुपया कम से कम अपना बच्चा पढ़ेगा। एक और सवाल है, जिस तरह से मनीष कश्यप को हम बीच में थोड़ा सा ला रहे हैं, चुनाव के समय आया लोगों का आरोप लगा कि उनको पैसा दिया, क्या आशीष मेहता को चुनाव के समय जब विधायिका का चुनाव लड़ेंगे उनको पैसा अलग पार्टियों की तरफ से दिया जाता है तो क्या वो चुनाव लड़ेंगे या फिर बैठ जाएंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, अगर ठान लिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, उस समय ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल लड़ेंगे, पूर्णिया के लोग सुन रहे हैं। अगर जनता हमें कहेगी, जनता कह रही भी है कि जनता कहेगी कि नहीं मेरा भाई मेरा बेटा को चुनाव लड़ना है, मेरे दोस्त कहेंगे मेरा दोस्त को चुनाव लड़ना है, आशीर्वाद है मेरा, हम चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद ये पैसा वैसा लेके बैठना पड़ता नहीं, पैसा सेकेंडरी मैटर है, पैसा कमाना होगा, मेरे पास और भी एक दो बिजनेस है, वो भी इस उम्र अच्छा। उम्र क्या हुआ, अभी 31 साल का उम्र है। अच्छा। यूट्यूब है, जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो हम भी अपने चैनल पर डालेंगे, उससे भी कमाई होगी, हम तो बोलेंगे उसमें भी कमाई होगा। पार्टी वार्टी क्या रहेगा आपको अंतिम, हम लोग बातें तो जो बात था उसमें हम ये नहीं बोले कि बहुत हमको दबाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, हम बात नहीं बोले, जाति वाती बात जो किया क्या किया हमको उससे मतलब नहीं है पीछे से, लेकिन अब ये मतलब है हमको समाज में जो नीचे है उसको ऊपर उठाना है, जो ऊपर है उसको और अच्छा से बैलेंस करके रखना है। और सबसे बड़ा चीज जो पलायन है, सबसे जो बड़ा भीड़ जो रेलवे स्टेशन पर लग रहा है, बस स्टैंड पर लग रहा है, लोगों का जवानी बर्बाद हो रहा है, लोग शादी आज कर रहे हैं और अगला दिन गाड़ी पकड़ रहे हैं, पत्नी ही रह जा रही है, वो चल रही है। समस्या से हम आपको अवगत कराएंगे, आपने भी उसको खबर को कवर किया है, जो लेबर चौक होता है आज से 5-7 साल पहले लेबर चौक नहीं हुआ करता था, उनको खुद पता नहीं होता हम क्या काम करेंगे, कौन हमको लेके जाएगा, आता है उठा के लेके चला जाता, कोई आया भैया चलो 300 टका देते हैं। देखिए वो बड़ा मतलब भयावह स्थिति है जो विदेशों में हुआ करता, हमने ये भी कहा है, एक दिन हम लोग वीडियो किए थे, हम लोग जैसे गए भैया लेबर 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 बताइए, मतलब आदमी मजबूर है, वो घर से निकला हुआ है, पत्नी टिफिन बांध के उसका दी है, टिफिन में पता है कोई मतलब रोटी भुजिया नहीं है उसमें, सत्तू है उसमें, आई को इतना तो प्याज होगा, आई को मिर्चन होगा, यही रहता है मैक्सिमम लेबरों का, आप ढक्कन खोल के देखिएगा तो यही रहेगा, और अगर रोटी भी रहेगा तो थोड़ा सा, अगर सब्जी रहेगा और एक प्याज रहेगा तो मिर्चन रहेगा। अब पत्नी ये कह के भेजिए कि जइयो आज कमा के लानी हो तो शाम में जब 400 रुपया मिलते हैं ना तो चावल खरीदे तब रात शाम रात के बनते चावल, ऐसा ऐसा घर है। तो कौन जिम्मेदार है, जो भीड़ जो लग रही है, नेता जिम्मेदार, विदेशों में ऐसा लगता था भाई कोई खड़ा हुआ उठा के लेके गया, मिलता कहाँ है रोजगार, मिलता थोड़ी रोजगार, 1000 हम तो पब्लिक को दिखाए थे और आप जाके देख लीजिएगा लाइन बाजार बता रहे हैं, जितना जिला है पूरा बिहार में हर एक जिला में आपको वहाँ पर मिल जाएगा, और वहाँ लेबर खड़े रहते हैं 1000 एक चौक पर, और 80 हो 50 हो या 100 900 लेबर वापस घर आ जाते हैं, और वो जो आते हैं पता नहीं उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, अब फ्रस्ट्रेशन में रहने के बाद क्योंकि उसको समय माँ कह रही होती है कि बेटा आज जा रहा है काम मिलेगा, उधर से दवाई लेते आना, हमारा पैर फूल गया है, हमारा पेट फूल गया है, हमारा पेट में दर्द है, हमारा आंख में दर्द है, हमारा दांत में दर्द है, मुंह में दर्द है, बेटा को काम नहीं मिलता है। पत्नी कहती है कि आज चावल बहुत दिन से नहीं खाए हैं, रोटी खाली खाए हैं, चावल खाने के लिए पैसा नहीं है, उधर से आना तो चावल लेकर आना, उसके अलावा बच्चे नहीं है या ड्रेस नहीं है, मास्टर साहब बोले हैं कोचिंग का फीस लेकर आना, नहीं आना चला दिन से नहीं आना, लेकिन उसको नहीं मिलता है रोजगार। वही सब आदमी जो है मजबूर है, सब पे काम करेंगे, वहीं सब पर तो काम करेंगे, और उसी के लिए हम लोग प्लान बताया आपको कि फैक्ट्री खुलवाएंगे। अच्छा। कैसे खुलवाएंगे भी बताइए, इतना अच्छा। थोड़ी बताएगा ये कोई बहुत बड़ा साइंस भी नहीं बताया, हम तो बोल दिए कि मरंगा में ब्रियाडा में जमीन खाली है, वहां पर दे दे उसको जो भी इन्वेस्टर है, मरंगा में जमीन खाली है, उसके अलावा सिटी में जमीन खाली है, ब्रियाडा का कई सरकारी जमीन खाली है, इन्वेस्टर बैठा हुआ है गुलाबबाग में, उसी को इन्वाइट करिए, ढेरी इन्वेस्टर बैठा हुआ है, लगता बुलाइए सुरेंद्र भगत को बुलाइए, और कौन कौन बेचारे नहीं जानते, ढेरी ऐसा ऐसा भगत जी है, ढेरी ऐसा मारवाड़ी है, इनके पास बहुत पैसा है, वो इन्वेस्टमेंट के तैयार है। अच्छा। लेकिन आप प्लानिंग नहीं दे रहे हैं, यहाँ घोरा पता है क्या, हम अगर अध्यक्ष हैं या हम अगर कुछ पोजीशन है, पहले हमारा शेयर कितना होगा वो बता। अच्छा। या अगर हम नेता है तो हम ये भी कह रहे हैं कि हमारा कितना परसेंट उसमें से मिलेगा हमको। अच्छा। पता चला बेचारा जोड़ जाड़ के, क्योंकि देखिए इतना पैसा इसके पास नहीं, सबको बांट देगा। अच्छा। पता चला जोड़ जाड़ के वो आता है और उसके बाद देखता है इतने कमीशन तमीशन है, आपके आने के बाद ये सब संभव हो जाएगा, इजी हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। पार्टी की बात करते हैं, कौन सी पार्टी होगी, आप निर्दलीय रहेंगे? अभी मिलता है प्रशांत किशोर जी का, जनसुराज कैसे भाई, आशीष मेहता जनसुराज कहीं नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा। अब ऐसे भी देखिए वो चाणक्य है, वो चाणक्य है और रामचंद्रगुप्त बनेंगे। अच्छा। बस सिंपल सा फॉर्मेट है, उनके पास भी ज्ञान है, हमारे पास भी छोटा सा भगवान ने ज्ञान दिया है, और उन दोनों ज्ञान की शक्ति अगर मिल जाएगी, मेन पावर मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो अपने आप विकास होगा, बहुत सारा प्लान, ये तो एकदम ग्राउंड लेवल का रोजगार की बात बताए, और इस पूर्णिया को हम लोग इस तरह से सुंदर बना देंगे, विकसित बना देंगे, जो नगर निगम में आप ये देख रहे हैं कि लाइन बाजार में जाम लगता है, अगर एक फ्लाईओवर का एक को आवाज उठा देते विधायक जी अपना सदन में, तो कम से कम अगर फ्लाईओवर का निर्माण होता जिसको
जाना है फुट कभी ऊपर पर चल जाएगा, जिसको जाना है मतलब ऊपर पर चल जाएगा, नीचे क्या करने आएगा। अब उसके बाद देखिए ये अगर फ्लाईओवर रहेगा नीचे, जैसे दिल्ली में देखें, अब हाँ अगर हम दिल्ली नहीं जाते, दिल्ली में 3 साल नहीं रहते इतना बात नहीं बोल पाते, हमने देखा है दिल्ली को, अभी हम ट्रिप मारते हैं घूमने जाते हैं, इसलिए घूमने जाते हैं ताकि दिमाग खुला रहे। पटना घूमने जाते हैं भैया, जब आप इसको पार्किंग करके बनाएगा तो जो पार्किंग का समस्या, नीचे पार्किंग हो जाएगा आपका लैंडर करने के लिए, नीचे उसका कार लगेगा, नीचे उसका मोटरसाइकिल लगेगा और ऊपर से लोग चल जाएंगे, तो सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। लेकिन ये आज तक आवाज उठाया सुना है आप कभी? नहीं। इसके लिए आवाज उठाया, पता नहीं इन लोगों का क्या दिमाग में नहीं है। आपने कहा प्रशांत किशोर, चर्चा हो रही प्रशांत किशोर भाजपा का बी टीम है, इस बारे में क्या राय है, क्या वाकई में है कुछ सच्चाई है इसमें? देखिए ऐसे ही जब कोई विरोधी रहेगा, जब आप मजबूत रहिएगा, शुरुआत देखिए कोई भी आदमी आप काम करिए, सबसे पहले अगर आप नया हैं तो आपको, हमने इसलिए सवाल किया कि आपने दशराज की बात किया। देखिए 3 स्टेप में आदमी सक्सेस होता है, या 3 स्टेप से हरेक आदमी को जाना पड़े। पहले आप जब कुछ नहीं रहिएगा तो आपको इग्नोर करेगा, बाप इससे क्या होगा, सबसे पहले आपको लगेगा इससे कुछ होने वाला है। जब देखेगा आप मजबूत हो रहे हैं, जैसे आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, उससे क्या होने वाला, डेली पत्रकार ऐसा बैठा हुआ है, वो इग्नोर करेगा आपको, फिर भी आप लगे रहिएगा तब वो आपका विरोध करेगा, तो वो खराब आदमी है ऐसे कर लेता है, वैसे कर उसी तरह प्रशांत का भी विरोध हो रहा है। अच्छा। वो सेकंड स्टेप पर विरोध आ गए हैं, पहला स्टेप उसका पार हो गया, देखिए सक्सेस कैसे होता है, जो बोलने वाले लोग होते बोलता ऐसे नीचे में बैठा, वो तो वाच कर रहा है, वैसे भी देखिए जो आपको वाच कर रहा है ऐसे देख रहा है। अच्छा। वो आपको पहला स्टेप देख लिया, इग्नोर कर दिया, फिर आपको विरोध करेगा, तब उसके बाद सपोर्ट करेगा। बताइए कि कल मीटिंग इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ और मुसलमानों के हित की बात करते, यही प्रशांत किशोर है जब 14 में भाजपा के लिए काम कर रहे थे, उस समय उनको मुसलमानों की याद क्यों नहीं, भाई मुसलमानों के साथ गलत हो जाएगा, आज उनको बता रहे हैं आपके साथ ऐसा होगा वैसा होगा। भाई 2014 की जो बात है, जब वो भाजपा के लिए कर रहे थे तभी तक वो पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमदर्दी कहां चला गया? पॉलिटिकल एनालिस्ट जब आप होते हैं, जब आप किसी एक काम को करते हैं उसके लिए आप प्लानिंग करते हैं, लेकिन दिल में ऐसा थोड़ी, लीडिंग रोल पर तो भाजपा था, भाजपा का अपना एजेंडा है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उन्होंने ये भी कहा है कि दिक्कत भाजपा से नहीं है, दिक्कत आरएसएस से है। अच्छा। दिक्कत उस संघी लोगों से है, दिक्कत उस नफरत से है जो मुसलमान से नफरत करता है। और भाजपा का वोट परसेंटेज 26% मात्र है, और इस देश में 80% मुसलमान है, सॉरी हिंदू है, 20% मुसलमान है। जब आपका 26% उधर है और आपको 80% यहाँ पर हिंदू है, 20% उधर मुसलमान है, तो कोई और भी तो हिंदू है जो हिंदू मुसलमान एकता को बनाए रखता है। तो बस वैसे लोग हमारे साथ रहेंगे, वैसे लोगों को साथ लेकर हम लोग को चलना है, ऐसे लोगों को चलना है जो हिंदू धर्म में गिर गए। भारत जब बट रहा था तो उसी समय कहा गया था जिसको जिधर जाना है, अगर आपको जाना है उधर चले जाइए, लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज बनेगा, भारत एक ऐसा गार्डन बनेगा जहां हर तरह के फूल रहेंगे, लाल हरा पीला सब, हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा। और ये एक आप समझिए ना, सूरजमुखी का भी फूल होता है, लेकिन आप खेतों में उसको फूल नहीं बोलते हैं, तब उसको खेत बोलते हैं, क्योंकि वहां सबका सब सूरजमुखी का रहता है, सब पीला रहता है। लेकिन जब आप बगीचा में लगाते हैं जहां गुलाब भी रहता है, सूरजमुखी का फूल रहता है, गेंदा भी रहता है, उसकी खूबसूरती अधिक होती है, वो खेत की खूबसूरती अधिक होता है। सरसों का खेती होता है, सरसों का फूल सुने क्या? सरसों का खेती बोलता है क्या है, क्योंकि वो पूरा का पूरा पीला लगा देता है। उसी तरह से अगर यहाँ पर खाली हिंदू ही रहेगा थोड़ी अच्छा लगेगा, खाली मुसलमान रहेगा थोड़ी अच्छा लगेगा। जब सब लोग रहेंगे, सबकी एक्टिविटी आदान प्रदान होगी, कुछ ऐसे चीजें हैं जो मुस्लिम में बहुत बढ़िया चीज सिखाता है, कुछ ऐसे चीजें हैं जो हिंदू धर्म में बढ़िया सिखाता है, तो अगर हम दोनों को धर्म को सम्मान करेंगे, दोनों चीजों को रिस्पेक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो चीज है, हमारा जो भारत धर्म निरपेक्षता का जो संविधान में पहला लाइन यही लिखा हुआ है, तो वो चीज सफल होगा। और जिसने इस देश को आजादी दिलाई है तो उनका सपना पूरा होगा। ऐसे भी ये भारत है, ये धर्म निरपेक्ष था, धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष ही रहेगा, हिंदू हो कि मुसलमान हो सबको यहाँ पर आना है, और सेकुलर का ही यहाँ पर राज होगा, जो कट्टरपंथी है उसका। चलिए एक अंतिम सवाल और लेंगे, लोग चर्चा कर रहे हैं प्रशांत किशोर जो कभी एक मेंबर तक वार्ड सदस्य नहीं बन गया, वो क्या मुख्यमंत्री बनेगा, क्या विधायक बनाएगा, कुछ संभव नहीं है? महात्मा गांधी सांसद था? नहीं। महात्मा गांधी विधायक थे? नहीं। बापू कैसे बन गए? चाणक्य कभी सांसद बने थे? नहीं। चाणक कैसे ये बन गए? जो बड़ा लीडर होता है ना, नीतीश कुमार अभी सांसद है? नहीं। नीतीश कुमार विधायक है? नहीं। मुख्यमंत्री बना हुआ है? बड़ा लीडर जो होते हैं, लीडरशिप होता है उसके अंदर, उसके अंदर एक गुण होता है, उसके अंदर एक मैनेजमेंट होता है, उसके अंदर एक कला होता है, उसके अंदर विजन दिखता है। अच्छा। उनको किसी कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ती। अंतिम मैसेज रहेगा, अंतिम में बस यही रहेगा कि गरीब आदमी का बेटा, गरीब पिछड़ा का बेटा अगर आवाज आपके लिए उठा रहा है, इतना बोलने की क्षमता जनरेट किया है, तो वो कहीं ना कहीं देन है पढ़ाई का, शिक्षा का। और आपके अंदर भी हम यही चीज डालना चाह रहे हैं, अगर आपका बच्चा भी पढ़ लेगा, शिक्षित हो जाएगा, तो अपनी हक की बात खुद कर लेगा। हम ये नहीं करेंगे हम आपके लिए आपकी बात करेंगे, हम ऐसा सिस्टम जनरेट करेंगे। हम कई लोगों को ये भी बोलते हैं कि तुम खुद जाओ और प्रभारी से हमको बात करा दो, आधार कार्ड उसका वैसे खत्म हो गया। अच्छा। जिस दिन वो प्रभारी को अपने ही फोन से बात करा देता है हमसे, फिर प्रभारी का आधार कार्ड, हाँ अगर हम जाके प्रभारी से बात करके उसका काम कराएंगे तो उसको कहते हैं पैरवी और उसको कहते हैं दलाली, और उसमें हो सकता है दलाली भी कर ले, लेकिन अगर हम किसी अधिकारी से उसके ही फोन से बात करवा के उसका काम करवा रहे, इसका मतलब हम उसको मजबूत बना रहे हैं।
उसके अंदर ये क्षमता आ रहा है कि हमको कैसे बात करना है। कई लोगों को हम ये भी बोलते हैं, एक बहुत बड़े आदमी है, नाम नहीं लेंगे उसका, अगर आप देख रहे होंगे बहुत अच्छा आदमी यहाँ का, उसका कोई स्कूल वाला पैसा मतलब ये रख लिया था, नहीं दे रहा था। अच्छा। हम बोले आप सर जो है, बोला हमको आइए ऐसे वैसे करिए ना, पैसा दे देगा। हम बोले कि आप जो है ना, आप जाइए खाली वहाँ पर, आप अपना परिचय बता दीजिएगा ना, तो उसके बाद वो खुद पैसा आपको दे देगा, क्योंकि आपका भी नाम है, आपके पास भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आप भी अगर उसके बारे में कुछ बोल देंगे ना, तो ऑटोमेटिक उसका जो भी नेम है वो डिफेम हो जाएगा, और उसके बाद उसको पैसा जैसे ही हो गए, अभी वो बड़ा भी थे, उसको वो भी पहचान लिया, लेकिन उसके अंदर डर था। अच्छा। कि हम कैसे किसी के इसके अंदर, इसका मतलब उसके अंदर लीडरशिप नहीं था, लीडरशिप ही करता है ना कि आपका काम करा देता है, उनके अंदर सिर्फ लीडरशिप का दिक्कत था, लेकिन इन्फ्लुएंसर वो भी थे और हमसे कहीं पर ज्यादा, मिलियन उनका फॉलोवर्स है, 2-2 मिलियन फॉलोवर है उनके पास। अच्छा। और वो गए, वो अपना परिचय दिया, सर रुकिए तुरंत करवा देते हैं, और वो करवा दिए। वो हमको फोन किए, हमको बोले कि आशीष जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना पावर का एहसास करा दिया, जैसे हनुमान जी को एहसास कराया जाता था बार बार कि आपके अंदर बहुत पावर है, आप पार उठा सकते हैं, तब वो पार तो सूख जाते थे। आपको भी कभी कभी जो आपका परिवार के लोग, आपके जो भी साथी हैं, वो कहते होंगे तबारक तुम बढ़िया बोलता है, बढ़िया करते, बढ़िया मेहनत करते, तुम कर सकते हो, आपके अंदर डिफेंड कर देगा कोई आदमी, आप भर दिन डिटेल बजाइएगा। उसी तरह से जब वो बोले ना, तो उनको सोचिए कि हम क्या काम किए, इसका लीडरशिप डाल दिए ना डाले। वो बोला कि हम परिचय दिए और हमको खुद नहीं पता था हम क्या हैं, और हमारे जाने से हो गया, और ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको अपनी शक्ति का एहसास कराए। जनता तो मालिक है, हम लोग बार बार कर रहे हैं लोकतंत्र में, अब पत्रकार को भी कह रहे हैं कि आप वो आदमी हैं जो सैलरीड लोगों को निगरानी करने के लिए आपको रखा गया है। आप मत भूलिए कि वो तीनों पैसा लेके काम कर रहा है, न्यायपालिका भी पैसा ले रहा है सैलरी, कार्यपालिका भी सैलरी ले रहा है पुलिस वाला, और विधायक का भी सैलरी ले रहा है, लेकिन पत्रकारिता वो लोग हैं जो सैलरी नहीं ले रहे हैं। अलग बात है वो ले रहे हैं, वो उसका अपना सिस्टम है, सरकार नहीं दे रहा है, आज तक तो सरकार थोड़ी दे रहा है, हिंदुस्तान के बाद सरकार थोड़ी, आपको सरकार थोड़ी दे रहा है, आप अपना बुद्धि विवेक से जो भी कमाते हैं जो करते हैं, लेकिन अपना से करते हैं ना, आपको सरकार नहीं दे रहा, आपको सरकार बात नहीं कर, और सरकार क्यों नहीं दे रहा ये भी समझिएगा, सरकार आपको मालिक समझता है, मालिक सैलरी नहीं, मालिक सैलरी नहीं, जनता को सैलरी मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं। जनता का ही आप एक रहनुमा है, जनता का ही आवाज उठाने के लिए आप आए हैं, और उन तीनों पर कंट्रोलिंग के लिए आप बने हुए हैं, आपको सैलरी क्यों देगा सरकार? चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ बोलता भारत के संपादक आशीष मेहता जी हैं, और नाम हमने इसलिए नहीं पूछा है, बखूबी आप लोग परिचित हैं, पूरा मशहूर है बिहार में, और आगामी जो विधानसभा चुनाव 25 में होने जा रहा है, जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। बाकी हमारी और इनके साथ जो बातचीत हुई, खास करके पूर्णिया सदर विधानसभा के लोग, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, आपके प्रतिक्रिया का, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा।